नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। हथौड़िया के स्थानीय सौसैया राजकीय चिकित्सालय कोविड L2 अस्पताल बनाया गया है, जिसमें कुल 92 बेड कोरोना मरीज के लिए रखे गए हैं, जिसमें 20 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट के अवशेष सामान्य मरीजों के लिए है। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर राजन वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में 19 बेड जो ऑक्सीजन सपोर्ट के हैं, इस पर कोविड मरीज मौजूद हैं। 24 घंटा मरीजों के आने का कार्यक्रम जारी है। विषम परिस्थितियों में भी हम लोग हौसला नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे कई चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे। उन्होंने बताया कि कुल 6 डॉक्टर, 3 शिफ्ट के लिए, 1 स्टाफ नर्स, 2 वार्ड बॉय, 1 शिफ्ट की ड्यूटी पर लगाए गए हैं। अस्पताल में मैन पावर कम होने के चलते बहुत ही परेशानी हो रही है, क्योंकि मरीज लेकर आने वाला हर तीमारदार अपने स्तर से व्यवस्था चाह रहा है, जो संभव नहीं है कि दिया जा सके, क्योंकि हर समय मरीज आ रहे हैं और परिस्थितियों के हिसाब से उनका एडमिशन किया जा रहा है। आज सुबह 4 बजे कुछ लोग बुढ़नपुर की तरफ से एक मरीज को लेकर आए और जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराने की बात करने लगे। मौके पर तैनात डॉक्टर द्वारा कोरोना जांच कराने की बात और स्थिति गंभीर होने की स्थिति में उनको जिला चिकित्सालय पर रेफर करने की बात बताई गई, तो परिजन आग बबूला गए और गेट के बाहर रखी हुई कुर्सियां एवं गमले तोड़ डाले। उन्होंने बताया कि अस्पताल के 1-2 सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं, फिर भी अगर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए तो हम लोगों को काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने लोगों से अस्पताल कर्मचारियों के सहयोग की अपील की, जिससे हर बीमार को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। टीवी 20 न्यूज से बातचीत करते हुए डॉक्टर राजन वर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। किस तरह की कल रात में कोई मरीज था, वो रेफर नहीं किया गया था, डायरेक्ट यहीं वो लोग आ गए थे। यहाँ पे जो पॉलिसी है उसके तहत कोविड कंट्रोल रूम से ही डायरेक्ट पेशेंट यहाँ आते हैं। उनको बताया गया कि आप लोग कंट्रोल रूम पे फ़ोन कीजिए, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई हो सकती है। उनका एंटीजन टेस्ट भी नहीं हुआ था, तो पहले तो वो कोविड उनका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, या उनके पास CT स्कैन हो, कुछ तो हो जिससे हम ये माने कि कोविड के कारण है प्रॉब्लम। यहाँ सारे पेशेंट कोविड के ही एडमिट किए गए हैं। रेस्पिरेटरी रेट का ज़्यादा होना या ऑक्सीजन की कमी बहुत सारी बीमारियों में होती है, इसीलिए उनको बोला गया एक एंटीजन टेस्ट करवा लीजिए या फिर आप कंट्रोल रूम से बात करके अलॉट करवा लीजिए। इसीलिए वो शायद वापस यहाँ से गए, फिर बीच में अचानक 45-40 मिनट के बाद अचानक से एक भीड़ आई, गेट को तोड़ने की कोशिश की, वहाँ पे गमले को पटका, बाकी अंदर आके इन्होंने कुर्सियाँ तोड़ी, बाकी अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे उसको इधर उधर फेंक दिया। हम लोग अपना आपस में बच के इधर भागे किसी तरह से, बाकी उसके बाद वो लोग चले गए। कहाँ के लोग थे, कुछ पहचाने? पहचान तो नहीं हुई, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग मास्क लगा के लोग रखे हुए हैं, तो चेहरा तो किसी का समझ में आता नहीं है। कोयलसा का शायद केस था, वो कोयलसा के ही वो लोग होंगे। आपके सर सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड लगा या पुलिस लगा हो यहाँ पे? पुलिस के 2 गार्ड हैं, अब क्या कहा जाए, पुलिस के 2 गार्ड हैं, लेकिन वो लोग कभी इस अस्पताल पे नहीं रहता। यहाँ जैसे कि 2 अस्पताल है, ये MCH पिंग है, बगल में ही मेन जनरल हॉस्पिटल है, वो लोग जनरल हॉस्पिटल के गेट पे ही बैठे रहते हैं, कभी इधर तो आते ही नहीं है। बाकी हमारे जो 2 प्राइवेट यहाँ के जो गार्ड रखे गए हैं, तो वो तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह, उनके पास वर्दी तो कोई है नहीं जिससे कि कोई उनको जाने कि वो गार्ड है या क्या है। वो बेचारे क्या करते, ना उनको कोई हथियार है ना उनके पास कुछ है। उन्होंने केवल समझाया, समझाने के बाद उन्होंने नहीं माने तो वो भी अपनी जान बचा के भागे, उसमें क्या कर सकता है कोई। कि एटलीस्ट यहाँ पे गार्ड्स की तैनाती कर दी जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में पीक जैसे ही अभी नहीं आई है, केसेस बढ़ेंगे, केसलोड बढ़ेंगे, जनता में रोष बढ़ेगा और बेड उतने ही हैं, रोज ज़्यादा होता जाएगा, पेशेंट ज़्यादा होते जाएंगे, तो ये घटनाएं कॉमन हो सकती हैं। और ऊपर से जनता में भी एक अपील मैं ये करूँगा कि कृपया आप लोग भी सब्र बना के रखें। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पेशेंट की देखरेख करते रहें, तो कृपया हमारा साथ आप लोग भी दें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें। थैंक यू।